स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। श्री रामला मंचन के सातवें दिवस एक ऐसे दृश्य ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वह दृश्य था रावण की बहन स्वरूपनखा का लक्ष्मण जी द्वारा नाक काटा जाना। यह दृश्य डायरेक्टर भगीरथ राम की देखरेख में मंच पर बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया। तो आइए इस दृश्य को हम भी देखते हैं कि किस प्रकार से लक्ष्मण ने स्वरूपनखा की नाक काटी। इतने सुंदर नेत्र, अपना परिचय देने का कष्ट करेंगी देवी? मैं लंकापति लंकेश्वर की बहन स्वरूपनखा हूं। स्वरूप नखा का शुद्ध रूप स्वरूप की कान, फिर यह मेरे इन नेत्रों से ओझल हो गए, परंतु मेरी दृष्टि तो इनकी ओर ही लगी रही। आपकी दृष्टि इनकी ओर लगी रही, लेकिन क्यों? इसलिए कि ये हमारी सीमा उल्लंघना का अपराध कर चुके थे। तब तो क्षमा करें मंदानी, हमें सीमा का ज्ञान नहीं था। मैं शुद्ध बुद्ध खो बैठी हूं। ऐसा लगता है स्वरूप नखा हृदय विहीन हो गई है, हृदय विहीन हो गई है। नींद ने मुझसे कोसों तक नाता तोड़ लिया है। ये आप क्या कह रही हैं देवी? पर पुरुष से तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। किंतु मैं आपको पर पुरुष समझू तब ना। मैं तो तुम्हें अपना समझती कि मुझे अगर ले लें आपको कोई संकोच नहीं होगा। नहीं भला स्वर्ग की अनुपम देह किसी को अखल रखती है। तो मेरे लिए आपके क्या विचार है? मेरे विचारों की तो कुछ मत पूछिए देवी। वास्तव में यदि मैं स्वतंत्र होता तो तुम्हें कभी का ठिकाने लगा चुका होता। ठिकाने? जी हाँ, ठिकाने। ठिकाने का अर्थ है कि विवाह बंधन में बंध जाना। ओह, बड़े अच्छे विचार हैं आपके। अभी तो बात पुरानी नहीं हुई। मुझे अपना लीजिए, मुझे अपना लीजिए। मैंने अभी समझाया तो है कि मैं इनका कुछ सेवक हूं। इनकी आज्ञा के बिना तो मैं सांस लेना भी अपने लिए दुश्वार समझता हूं। तेरी शोभा बनूं क्या? मैं तो भी दल का जेवर हूँ। वो स्वामी है मैं सेवक हूँ, वो मालिक है मैं नौकर हूँ। तेरे जैसा ना आवारा ना कवारा कोई वर हूँ। अरे भोगन उर्मिला है जिसकी, वो है जिसका मैं वर हूँ। तब तो सेवक को सेविका अवश्य मिलनी चाहिए। मैं तुम्हारे लिए सेविका बनकर होंगी राजकुमार। किंतु यह मेरे लिए शोभायमान नहीं है देवी। क्यों? एक दास होकर सुख या चैन की इच्छा करना ठीक उसी प्रकार है जैसे भिखारी होकर मान की इच्छा करना, लोभी होकर सम्मान की इच्छा करना,
की इच्छा करना, फिर वही उपदेशों की भरमार। मैं यह बात नहीं सुनने आई राजकुमार, तो इससे अधिक अपने पास तो प्रभु राम का नाम है देवी, आप उन्हीं से प्रार्थना करें। मेरी इस चाहत का नाश ना करिए, मेरी इस चाहत का नाश ना करिए, निर्लज्ज न बना देवी। अच्छा यही है कि चुपचाप यहां से चली जाओ। चले जाऊं? अरे वाह, मेरे राज्य में रहकर मुझ पर ही हुक्म चलाया जा रहा है। तुम व्यर्थ में भटक रही हो देवी, इससे तो तुम्हारे नारी धर्म का नाश हो जाएगा। यह बात अपना विवाह करवाने से पूर्व पड़ा था कभी, या मेरी बारी में ही पूर्ण ज्ञानी हो गए? क्या ज्ञानी के पास ज्ञान रहा है कभी? तुमसे विवाह इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं पहले से ही विवाहित हूं, समझ गई ना? जी हाँ समझ गई। अब आप यहां से अपना रास्ता ले सकती हैं। तो क्या ये अच्छा हो कि जाने से पहले मैं उस डाल को नष्ट कर दूं जिसने मेरा साया छीन लिया है? जिसने मेरा साया छीन लिया है। सावधान चिंतरणी, मां सीता की ओर, तुम्हारे हाथ बढ़ने से पहले लक्ष्मण के धनुष से निकले हुए थे, तुम्हें धरती पर सुला देंगे। मैं बच चाहती हूं। अवश्य जाओ, किंतु मुझे ही क्यों? ये मेरे छोटे भाई भी तो हैं। भैया भैया, मैं इनसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। तो मुझे पहले क्यों नहीं बता दिया? मेरी तो आदत ही कुछ ऐसी है। इधर आओ देवी, आपने भी पर चंद्र शब्दों की भेंट की है, तो प्रसाद भी देती जाओ। आज्ञा। क्योंकि तुमने भानु जी को बुरा भला कहा है, इसलिए इनके हाथ जोड़कर क्षमा मांग लो, फिर मैं तुमसे विवाह कर दूंगा। यह बात है तो मैं क्षमा मांग लेती हूँ। क्यों नहीं देवी, एक राजकुमारी होकर क्षमा मांगना भी नहीं जानती? मेरे इस धनुष की नोक पर अपनी नाक बिगड़ते हुए कहो कि मैं देवी सीता से क्षमा मांगती हूँ। यह बात है, मैं अभी क्षमा मांग लेती हूँ। Thank you.
कायम है। निश्चय अब उनके वास्ते मैं आपके साथ सम्मान हुआ। बोल बहना त्रुमल है कैसा खबासान हुआ। ओ सन्यासी अवधपुरी राजकुमार कहलाते हैं, राम एक का नाम है, तू एक का लक्ष्मण बतलाते हैं। उनके कोमल नूरे नजर है, सीता कह उसे बुलाते हैं। जवानी देख जाती